हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड डूइंग वेल। फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पार्ट वन रिलेटेड टू योर ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। पार्ट टू डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। पहले पार्ट में भी आपको बताया कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्ट है आपके लिए। EPFO में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सोशल सिक्योरिटी का एक कंप्लीट एस्पेक्ट है सिलेबस में आपके, तो वहाँ तो इम्पॉर्टेंट होगा ही। उसके अलावा UPSC, CSE, CDS, NDA, ऑल स्टेट सर्विसेज, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जिस भी स्टेट में हैं आप, या CAPF, सब स्टेट सर्विसेज में काम आएगा। पार्ट वन में मेनली हमने क्या डिस्कस किया था कि क्या प्रोहिबिशंस लगाई हैं सरकार ने, ओके, रिलेटेड टू यू नो एनी इनइक्वालिटी और इनइक्वल ट्रीटमेंट और अनइक्वल ट्रीटमेंट टूवर्ड्स द ट्रांसजेंडर्स। वेलफेयर मेजर्स जो एक्ट के अंदर प्रोविजन है, जो गवर्नमेंट को फॉलो करने हैं, जो एम्प्लॉयर्स को फॉलो करने हैं, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन और वोकेशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड क्या प्रोविजंस है वो हमने देखा था। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सर्टिफिकेट फॉर अ ट्रांसजेंडर पर्सन, उसका क्या प्रोसेस है वो हमने देखा था, ठीक है। हेल्थ केयर के लिए गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं, वो सारी बातें हमने देख ली थी पार्ट वन में। तो पार्ट वन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो किसी ने अगर पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले वो ज़रूर देख लें। ऑलराइट, अब पार्ट टू करेंगे एंड दिस विल बी द फाइनल वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, ओके। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9041244689 पर। कॉल करने के लिए आप इसी पर टाइम ले लीजिए, हम व्हाट्सएप पर टाइम डिसाइड करके आपके साथ कॉल पर भी बात कर लेंगे अगर कोई इशू होगा। एंड मेल कर सकते हैं आप शिक्षित@gmail.com पर। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, दैट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एक्ट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं आपके प्री स्पेसिफिक इसके अंदर से फ्रेम होंगे। फिर ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज़ क्या लगती हैं अगर कोई इस एक्ट के प्रोविजन से रिलेटेड जो है कोई वॉयलेशन करता है, तो उस केस में क्या पेनल्टीज़ हैं, क्या फ़ाइन है, क्या जेल टर्म है। एंड फिर एक दो मिसलेनियस पॉइंट्स देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो शुरू करेंगे नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन से, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन की। किसी भी जब हम काउंसिल को पढ़ाई करते हैं, हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन मेंबर होता है, कितने मेंबर होते हैं, चेयरमैन कौन होता है, कौन सेलेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो चेयरमैन कौन होगा, जो भी यूनियन मिनिस्टर होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, ही विल बी एक्टिंग एज द चेयरपर्सन। सो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि चेयरपर्सन कौन होता है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का, ठीक है, तो इजी सा सवाल बन जाएगा। उसके बाद वाइस चेयरपर्सन कौन होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा। तो यूनियन मिनिस्टर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का चेयरपर्सन, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट क्या होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा। उसके बाद सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का सेक्रेटरी होगा, वो भी इसका एक मेंबर होगा। ये तीनों एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को कौन से लोग एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं और कौन से एक्स ऑफिशियो नहीं है, ये याद करना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि जो टर्म ऑफ सर्विस होगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर मेंबर इज़ ए एक्स ऑफिशियो मेंबर और नॉट। अभी हम देखेंगे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वन रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम विच मिनिस्ट्रीज। सबसे पहले आ गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। नंबर टू पर आ जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नंबर थ्री पर आ जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नंबर फोर पर आ जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नंबर फाइव पर इट इज़ योर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, विच इज़ नाउ कॉल्ड एजुकेशन मिनिस्ट्री। Then at number 6 will be your rural development ministry, okay. Number 7 will be your labor and employment ministry, okay. उसके बाद आपके department of legal affairs, pension and pension welfare भी इसके अंदर जो है वो participate करेंगे। आपका नीति आयोग का भी एक member रहेगा, ठीक है। And all these members which will be representing these ministries or the departments or Niti Aayog should not be below the rank of joint secretary.
ठीक है, तो जो भी इन मिनिस्ट्रीज में से रिप्रेजेंटेटिव चूज होकर के आएंगे दे शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, और ये सब के सब मेंबर्स भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। उसके बाद वन रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम, एक मेंबर आएगा आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से, एक मेंबर आएगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से, और ये जो दो मेंबर्स होंगे दे शुड ऑल्सो बी नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरीज एंड दीज मेंबर ऑल्सो विल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। अभी तक हमने जितने मेंबर्स देखे हैं सारे के सारे क्या हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज बाय रोटेशन, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से रोटेशन से एक एक मेंबर आएगा, ठीक है, एक मेंबर आएगा नॉर्थ से, एक आएगा साउथ से, एक आएगा ईस्ट से, एक आएगा वेस्ट से, और एक आएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन से, यानी कि टोटल 5 मेंबर। रोटेशन कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्थ में स्टेट्स देखता हूँ, मैंने नॉर्थ में एक स्टेट रख दी हरियाणा और एक स्टेट रख दी पंजाब, ठीक है, और मैंने नेशनल कैप जो है दिल्ली भी रख दिया जो आपकी यूनियन टेरिटरी है, मैंने चंडीगढ़ भी रख दिया, तो ये सारे नॉर्थ में आ गए। अब क्या होगा, एक बार हरियाणा में से मेंबर आ जाएगा, फिर एक बार दिल्ली में से आ जाएगा, फिर एक पंजाब में से आ जाएगा एक बार, फिर चंडीगढ़ में से, तो रीजन वाइज इस तरह से रोटेशन के बेसिस पे मेंबर आएंगे। टोटल 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में से, और ये भी सबके सब क्या होंगे, एक्स ऑफिशियो होंगे। उसके बाद 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, ये जो 5 मेंबर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आएंगे ये भी बाय रोटेशन आएंगे फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, स्टेट गवर्नमेंट्स इनको सेलेक्ट करेंगी जो नॉमिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाएंगे, ठीक है, तो ये भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर देगी एंड अल्टीमेटली फाइनली द नॉमिनेशन विल बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। ओके, चलिए उसके बाद 5 एक्सपर्ट्स जो होंगे वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन से आएंगे, दोज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल, ये जो मेंबर्स होंगे इनको भी नॉमिनेट कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो जो जॉइंट सेक्रेटरी होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, हु इज स्पेसिफिकली डीलिंग विद द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस विल ऑल्सो बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो सारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं दो को छोड़कर, एक पॉइंट जी जो आपके 5 रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से, और एक पॉइंट एच जहां पर आपके 5 एक्सपर्ट्स आ रहे हैं एनजीओ से, तो ये आपके क्या है, ये आपके जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स नहीं है। अब डिफरेंस क्या हो जाएगा अगर ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स नहीं है, मैं ये कह रहा हूं तो इसका क्या मतलब है, सो अ मेंबर ऑफ द नेशनल काउंसिल अदर देन द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स शॉल होल्ड अ ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years, 3 साल के लिए वो ऑफिस होल्ड करेंगे। ओके, जो भी अदर देन एक्स ऑफिशियो है, तो सारे तो अपने पास एक्स ऑफिशियो ही है, सिर्फ पॉइंट जी और पॉइंट एच ऐसे हैं जो एक्स ऑफिशियो नहीं है, बाकी सबके सब मेंबर्स क्या है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। सो फॉर जी एंड एच, यानी कि जो ये 5 रिप्रेजेंटेटिव ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आ रहे हैं और 5 एक्सपर्ट्स जो एनजीओस के हैं, ये दोनों के दोनों 5 years के लिए ऑफिस को होल्ड करेंगे, सॉरी 3 years के लिए ऑफिस को होल्ड करेंगे, बाकियों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस जो है वो एक एक्स ऑफिशियो मेंबर है, ठीक है, अब उनको आप ये नहीं कह सकते कि ही शुड होल्ड ऑफिस फॉर 3 years, सरकार 5 साल के लिए बनती है, अगर किसी एक पर्सन को यूनियन मिनिस्टर बना के रखा है आपने 5 साल के लिए, सो हाउ विल यू रोटेट इट, क्योंकि इसमें तो स्पेसिफिकली लिखा है ना कि आपको यूनियन मिनिस्टर को ही चेयरमैन बनाना है। ओके, सो दैट इज द प्रॉब्लम। चलिए नाउ फंक्शंस क्या होंगे इस नेशनल काउंसिल के, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, कोई भी पॉलिसी अगर सरकार ने बनानी है, कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई कानून लेकर के आना है, कोई भी प्रोजेक्ट है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा। मॉनिटर एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, जो भी सरकार की पॉलिसीज हैं प्रोग्राम्स हैं रिलेटेड टू द ट्रांसजेंडर पीपल, उनका ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट क्या है वो इवेल्युएट किया जाएगा, क्या वो रिजल्ट्स दे रहे हैं वो जो है देखा जाएगा, ठीक है। देन टू रिव्यू एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, जितने भी सरकारी विभाग हैं जो काम कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल अलॉन्ग विद द एनजीओस, तो उन सब की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाएगा ताकि एक बेटर वे में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम किया जा सके। रिड्रेस द ग्रीवियंस ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, इफ देर इज एनी ग्रीवियंस ऑफ एनी पर्टिकुलर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पर्सन, तो वो उस केस में वो ग्रीवियंस भी अपनी
लेकर के जा सकते हैं टू दिस नेशनल काउंसिल. ऑल राइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज टू परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. केंद्र सरकार इसके अलावा अगर और कोई भी प्रोविजन रखती है तो उसके लिए भी ये नेशनल काउंसिल जो है तैयार रहेगा. उसके बाद बात करते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की. वेरियस प्रोविजंस हमने देख लिए हैं. अब कोई भी प्रोविजन तब तक बेकार है जब तक उसके लिए कोई ऑफेंस ना हो. अगर उसकी वॉयलेशन हो रही है और उसके ऊपर कोई जुर्माना ना लगाया जाए तब तक कोई नहीं मानेगा. अब इंडिया में कोविड फैल रहा है फिर भी लोग मास्क नहीं लगाएंगे तब तक जब तक उसको चलान नहीं किया जाएगा अगर वो ओपन में विदाउट मास्क घूमेगा तो. ठीक है, तो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फोर्स्ड या बॉन्डेड लेबर के अंदर इंडल्ज करता है तो उस केस में ही कैन बी पेनलाइज. ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है. अगर सरकार कोई कंपलसरी सर्विस लगा देती है पब्लिक पर्पज़ के लिए, ये हम फंडामेंटल राइट्स में ही पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, अगर भारत देश जो है किसी के साथ युद्ध में है और हमारे पास सेना की कमी हो जाए तो आपको सेना में भी भेजा जा सकता है. ठीक है, तो कंपलसरी सर्विस और बहुत सी इसमें एग्जाम्पल जो है वो आ सकते हैं. Any person who denies a transgender person the right of passage to a public place or obstructs such person. तो अगर right of passage जो है वो avoid किया जाता है public place पे या उसको public place पे आने से रोका जाता है तो उस case में भी violation होगा. Forces or causes a person to leave household, अगर घर से ज़बरदस्ती निकलने को या गाँव से ज़बरदस्ती निकलने को अपना घर ज़बरदस्ती छोड़ने को मजबूर किया जाए तो उस केस में भी offenses and penalties जो हैं वो लगाए जाएंगे. हार्म्स और इंजर्स और एंडेंजर्स द लाइफ सेफ्टी हेल्थ और वेलबींग. और इस हेल्थ और वेलबींग में सिर्फ फिजिकल हेल्थ और वेलबींग नहीं आएगी, मेंटल हेल्थ और वेलबींग भी आएगी. ठीक है, किसी भी तरह का अगर फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, मेंटल एब्यूज, इमोशनल एब्यूज, इकोनॉमिक एब्यूज अगर आप कर रहे हैं फ्रॉम फॉर अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी देन यू विल बी पनिश्ड. ओके, सो इन ग्राउंड्स के ऊपर द पर्सन विल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months. 6 महीने से कम की सजा नहीं होगी. इसको 2 साल तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि 6 months to 2 years जो है वो आपको जेल हो सकती है अगर आप इन ग्राउंड्स को वॉयलेट करते हो जो लिखे गए हैं, या फिर आपको फाइन लगाया जा सकता है एंड फाइन इज up to 1 lakh rupees एंड या फिर दोनों भी लगाए जा सकते हैं. ओके, चलिए. देन सम मिसलेनियस प्रोविजंस लाइक ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम पार्लियामेंट से पास करवाकर पैसा देगी नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस को ताकि काउंसिल जो है वो अपना काम कर सके जो उसको दिया गया है थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्ट. प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ. तो अगर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर इस एक्ट के प्रोविजंस की इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ऐसा करता है विच इज़ नॉट इन यू नो परसुएंस विद एनी अदर एक्ट. ठीक है, उसने गुड फेथ में एक्ट किया है फॉर द ट्रांसजेंडर पीपल, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी. सो नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शॉल लाई अगेंस्ट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी थिंग विच इज इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड एनी रूल्स मेड देयर अंडर. ओके, सो ये पॉइंट बिल्कुल एकदम से क्लियर यहाँ पर रखा गया है. ओके, चलिए. तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के ये 3 topics भी कवर हो गए हैं एंड अब आपका ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कम्प्लीटली कवर हो चुका है. इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है अनटिल एंड अनलेस आने वाले टाइम में कोई चेंज हो जाए तो अभी तक के लिए अगर इसमें से कोई सवाल आ जाता है तो आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होगा. ओके, एंड करंट के हिसाब से भी ये न्यूज़ में कहीं ना कहीं रहता ही है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ओके, चलिए. सो गाइज, अगर आपको मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को. ओके, लेट दिस कंटेंट रीच द मासेस. मिलेंगे अगली वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.